এবিপি আনন্দর মুখোমুখি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। লগ্নি টানতে এবার রাজ্যের সফরে তিনি। আপকা স্বাগত হ্যাঁ এবিপি আনন্দ মে। আপ মধ্যপ্রদেশ মে যে ইনভেস্টমেন্টকে নজরিয়ে সে পলিসিজ আর ইনসেন্টিভকে মতলব ক্যা খাসিয়ত হ্যাঁ? দেখিয়ে মধ্যপ্রদেশ বহুত সম্ভাবনা কা প্রদেশ হ্যাঁ। হামারে পাস সারপ্লাস বিজলি হ্যায়, ল্যান্ড উপলব্ধ হ্যায়, हमारी लेबर या जो स्किल लेबर चाहिए वो सब उपलब्ध है। देश के मध्य में बसा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई परिस्थिति नहीं है। इसके कारण से अलग अलग प्रकार के उद्योग, व्यापार, व्यवसाय करने वाले लोगों को हम देश भर से आमंत्रित करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। उसी सिलसिले में मैं आज बंगाल कलकत्ता में आया हुआ था। इसके पहले भी कई राज्यों में हम गए हैं, मद्रास, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, कर्नाटक, बेंगलुरु और महाराष्ट्र में मुंबई, हर जगह जहाँ जहाँ निवेशक मिल रहे हैं, हर जगह हम अपनी बात कह रहे हैं। और इसके बलबूते पर अपने राज्य में भी हम अलग अलग संभाग में अदर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हैं, जिसमें सब प्रकार की संभावनाओं पर विस्तार से बात करते हैं, उसका लाभ भी मिल रहा है। कहा जा रहा है कि बाबूराज खत्म कर दिया गया है वहाँ पर, मतलब कैसे संभव हुआ ये बताइए। देखिए बहुत सरल बात है, अगर हमको निवेश लाना है तो बाधाएँ हटाना पड़ेगी और अलग अलग विंडो, अलग अलग टेबल पे जा करके जो परेशानी आती है उसको सिंगल विंडो से करते हुए कलेक्टर को अधिकृत कर रहे हैं। सभी प्रकार की मदद करते हुए उद्योगपतियों से उनका व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए बात करें। वो एक बार स्थापित होगा तो वो राज्य के लिए भी हित में रहेगा, बेरोजगारी भी दूर करेगा। बिल्कुल, कितनी उम्मीद रखते हैं आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आप आए? बड़ी संभावना है, लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ से मिला है और 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ी संख्या में बड़े से बड़े उद्योगपति मध्यप्रदेश में आने को तैयार है। मुझे संतोष है, हमारा दौरा ठीक दिशा में रहा है। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी भी काफी सालों से मतलब वो कर रही हैं कि इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। देखिए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बंगाल में भी लोग काम करें, मध्यप्रदेश में भी करें। मैं तो इसी लाइन पे चलता हूँ, हमारे यहाँ कोई इस भाव के नहीं कि यहाँ से बंद करे और हमारे यहाँ जाए। कोई मैसेज उनके लिए, आप बंगाल में आए हैं, हम तो बंगाल के लिए भी शुभकामना देते। बंगाल भी भारत का हिस्सा, मध्यप्रदेश भी भारत का हिस्सा, सबके प्रति शुभकामनाएं। काल से महाकाली तक सबकी जयकार करने वाले। शुक्रिया। आशावादी मुख्यमंत्री। कैमरा সন্দীপ পালের সঙ্গে রুমা পাল, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। সত্য অন্তহীন, সত্যের খোঁজও তাই, সত্য সন্ধানে তাই আমরা অক্লান্ত অকুতোভয়। এবিপি আনন্দ নতুন ভাবনার প্রতীক, যা মনে মুক্ত, তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য ব্যানাজার যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ, সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।